उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के गांव मजारा बरखेड़ा में कोरोना संदिग्ध 7 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब देखना यह है कि रिपोर्ट आने पर क्या पाया जाता है, स्पष्ट तभी हो पाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद गांव मजारा बरखेड़ा चक की रहने वाली 7 वर्षीय बच्ची को निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं होने के कारण आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। उसके बाद बच्ची का सैंपल लेकर टेस्ट के लिए अलीगढ़ भेज दिया गया था। रिपोर्ट बृहस्पतिवार को आनी है। रिपोर्ट आने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल थाना भगतपुर के गांव मजारा बरखेड़ा चक में 7 वर्षीय बच्ची काफी समय से बीमार चल रही थी। वैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को 7 वर्षीय बच्ची की बीमारी के बारे में पता चला तो गाँव में टीम पहुंच गई। 7 वर्षीय बच्ची को अपने साथ निजी हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया था। तबीयत में सुधार ना होने के कारण मंगलवार को उसका ब्लड सैंपल अलीगढ़ भेज दिया गया, जिसकी रिपोर्ट बृहस्पतिवार को आनी है। लेकिन इससे पहले ही बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गांव में पुलिस और डॉक्टर की टीम पहुंचकर बच्ची के पिता सहित उसके चाचा और ताऊ के तीनों को घरों पर नोटिस चस्पा कर क्वारंटाइन कर दिया गया है। सभी लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि रिपोर्ट आने तक अपने घरों से ना निकले, इनके खाने पीने की व्यवस्था अंदर ही रहेगी। मुरादाबाद से संवाददाता वाजिद अली की रिपोर्ट। देखिए, वहाँ तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में एक 7 साल की लड़की भर्ती थी कल, जिसका वहाँ के डॉक्टर्स ने सैंपलिंग कराई है और सैंपल टेस्ट होने के लिए अलीगढ़ गया हुआ, हमारे द्वारा भेजा जाता है, यहाँ मुरादाबाद जिले का सैंपल है और उसकी रिजल्ट अभी नहीं आया है, पर इसी दौरान उस लड़की की मृत्यु हो गई। तो कहीं चूक ना हो जाए, इस वजह से वहाँ पे सावधानी बनाए रखने के लिए कि इन केस उसमें वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उस दौरान, ये जो हमारा क्रूशियल पीरियड है, उस दौरान कहीं बीमारी फैल ना जाए, संभावना को दृष्टिगत रखते हुए कि थोड़ी सावधानी से एक संभावना को हमने रोक दिया कि वहीं रहेगा मामला जो बीमारी है, तो इस दृष्टि से ये किया गया है। रिपोर्ट आते ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, अगर वो नेगेटिव आएगी तो वो सावधानियां हटा ली जाएंगी। सर, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो आपको क्वारंटाइन कराए जा रहे हैं, तो उनकी थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी? नहीं नहीं, थर्मल स्कैनिंग तो कोई ऐसे मौके पे काम नहीं करेगी, उनका वास्तविक सैंपल कराया जाएगा जो उसके घर के क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, जैसे उसका सैंपल हुआ वही सैंपल करा के अलीगढ़ भेज के रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि घर में किस किस को बीमारी उस दौरान में लगी है। अच्छा सर, जो पोस्टर लगाए गए वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए? जी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगा, वो सामूहिक है, हमारी टीम में सब पूर्व प्रशासन भी शामिल होता है, जो इस तरह की जो अस्पताल के बाहर गतिविधियां होती हैं, प्रशासन है, ब्लॉक के लोग हैं, ICDS के लोग हैं, सब लोग शामिल होते हैं। अच्छा, उन पोस्टरों पर क्या अंकित किया गया है? कि अभी इस घर के लोग बाहर नहीं निकले और कोई बाहर का व्यक्ति उन घरों में न जाए। कितने पोस्टर लगाए गए लोगों? अभी वो रिपोर्ट आ रही है, आने पे आपको बताया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.